कुछ नहीं यार, बस देख रही थी कि भगवान ने कोई ऐसा शीशा क्यों नहीं बनाया है जिससे इंसान की मन की सुंदरता को भी देखा जा सकता हो। लेकिन नहीं, लोग तो हमेशा चेहरे की ही सुंदरता को देखते हैं और चेहरे की सुंदरता को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की के साथ जिंदगी भर साथ निभा पाएंगे या नहीं। तू तो जानती है ना यार कि मैं इन सब बात पर विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन यार मैं भी तो इंसान ही हूं ना, मुझे भी तो बुरा लगता होगा ना जब सामने से कोई लोग आकर मेरे चेहरे पर ये कहकर चले जाते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा रंग सांवला है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि लोगों के लिए चेहरे की सुंदरता इतनी मायने क्यों रखती है। तू उस उज्जवल को जानती है ना जिससे मेरी शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी थी? उसका आज सुबह मम्मी को फोन आया था और कह रहा था कि वो मुझसे अब शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। इसीलिए मैंने तो ऐसे भी खुद को संभाल लिया यार, लेकिन मम्मी पापा तो सोच यार, जब मुझे इतनी तकलीफ हुई होगी तो मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी यार। अपनी बच्ची के बारे में ऐसे शब्द सुनना, क्या उनका दिल नहीं रोया होगा? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेरी बारे में सोच रहे थे, मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे ये कहते हैं कि बेटा उज्जवल बेवकूफ था जो तेरे दिल की सुंदरता को नहीं देख पाया वो। लेकिन यार कब तक मैं ऐसे इन लड़कों के सामने शोपीस की तरह अपने आप को प्रेजेंट करती रहूंगी और वो मुझे किसी सामान की तरह हमेशा रिजेक्ट करके चले जाते रहेंगे? कब तक? थक गई हूं मैं यार, थक गई हूं।